ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था सितंबर 2020 में, और बेसिकली इसकी डिजाइनिंग बेस ये थी कि जी इस पे एक चोकिंग पॉइंट बनता था इस्लामाबाद हाईवे पे, जब आप कुराल से टी चौक की तरफ जाते हैं 1,60,000 गाड़ियां इस पे से रोज गुजरती हैं, जिसमें से 70,000 जो है ये हाउसिंग स्कीम्स जो थी PWD बैरिया सोआ गार्डन के लिए, ये सारे यू टर्न लेते थे या क्रॉसिंग करते थे, जिसपे इस पे हैवी ट्रैफिक भी है। इस्लामाबाद का बेसिकली गेटवे है, सारी गाड़ियाँ इधर से आती थी। इसके लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया, 428 मिलियन का ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का था, वो हमने इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ उसको प्लान किया और अकॉर्डिंगली हमने उस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, और किसी दिन भी हमने ट्रैफिक को एक दिन भी कोई रोका नहीं है, ट्रैफिक को हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। यहाँ पे यूटिलिटी लाइंस काफ़ी ज़्यादा थी मुख्तलिफ एजेंसियों की, जैसे ISCO SNGPL वगैरह की, तो उनकी शिफ्टिंग जो थी वो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मैनेज करें, और हमारा पूरा कंसल्टेंट का स्टाफ इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहा होता है, हम लोग कर रहे होते हैं, कंट्रैक्टर दिन रात काम कर रहा है, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है ना जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे जो हमारी इस वक्त लेबर काम कर रही है ये तकरीबन 400-450 बंदे जो हैं ये इस वक्त प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। हमारी जो मशीनरी है ये राउंड अबाउट 50 के करीब मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज हैं। हमारी दो शिफ्टें काम कर रही हैं, एक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और दूसरी जो है वो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 अगस्त को हम ये अंडरपास नीचे वाली ट्रैफिक के लिए खोल देंगे, और एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि हम 15 सितंबर को ये प्रोजेक्ट ऊपर से भी मेन ट्रैफिक के लिए ओपन कर देंगे।